हेलो दोस्तों, ये है जावा की 42.2.1 BS6 2021 मॉडल। जावा 42 में तीन वेरिएंट आते हैं, तीन कलर का ऑप्शन मिलता है और आप देख रहे हैं जावा 42 2.1 का डुअल चैनल ABS का ओरियन रेड कलर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके प्राइस, फीचर्स और माइलेज के बारे में। और ये है इसका ऑल स्टार ब्लैक कलर और ये है इसका सीरियस वाइट कलर। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो डिज़ाइन है वो फ्रंट से काफ़ी अट्रैक्टिव दी गई है, जो कि फुली मेटल की बनाई गई है। इसकी जो हैलोजन हेडलैम्प है और जिसमें आपको बल्ब मिल जाते हैं, LED लाइट का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यहां पर आपको साइड में मिल जाते हैं राउंड शेप के इंडिकेटर। और चलते हैं इसके नीचे की साइड में, तो यहां पर आपको जो है फ्रंट वाला मडगार्ड मैट रेड फिनिश में दिया गया है, जिसके ऊपर आपको लॉकर भी मिल जाते हैं। और ये इसके टायर की ग्रिप है दोस्तों। अब चलते हैं इसके नीचे की साइड में, तो यहाँ पर आपको ABS सिस्टम मिल जाता है। इसमें डुअल चैनल ABS दिया गया है। इसमें 280 mm की डायमीटर की डिस्क ब्रेक दी गई है और यहाँ पर 90-90-18 का टायर साइज दिया गया है। इसमें क्लासिक लीजेंड के स्टिकर भी मिल जाते हैं इसके अलॉय व्हील्स के ऊपर। और इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क टाइप के सस्पेंशन दिए गए हैं इसके फ्रंट में दोस्तों। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको फुली एनालॉग टाइप का मीटर कंसोल दिया गया है। इसी के अंदर आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है छोटा सा डिजिटल के रूप में। और जैसा कि यहाँ से आप इसकी स्क्रीन को देख सकते हो, इसमें जो है बहुत सारी इंडिकेशन लाइट दी गई हैं। यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है और यहाँ से आप इसकी स्पीड को देख सकते हैं। यहाँ पर ABS की इंडिकेशन लाइट, गियर की न्यूट्रल लाइट, इंजन माल फंक्शन लाइट, टर्न सिग्नल इंडिकेशन लाइट और फ्यूल की इंडिकेशन लाइट, मेन हेडलाइट इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं। और यहां पर आपको बैटरी की इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है। और यहां पर आपको जो है फ्यूल के लिए सेपरेट मीटर मिल जाता है, जो कि छोटा सा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहां पर छोटा सा एक ट्रिप मीटर दिया गया है। और यहां पर आपको जो है हैंडल बार रोड पर इंजन किल का स्विच मिल जाता है। नीचे आपको जो है ट्रिप मीटर को एडजस्ट करने के लिए बटन मिल जाती है और यहाँ पर सेल्फ का स्विच मिल जाता है। और ये है इसकी हैंडल बार रोड, जिसके ऊपर जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इसके स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको पासिंग स्विच मिल जाता है, लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। अगर इसको साइड प्रोफाइल की तरफ से देखें तो इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई गई है। और नीचे की जो थीम है वो ब्लैक कलर की दी गई है। और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है, जावा का लोगो दिया गया है ग्राफिक्स के साथ में। और यहाँ पर आपको जो है 14 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। और इसके फ्यूल टैंक की जो डिज़ाइन है वो रॉयल एनफील्ड से थोड़ी सी मैच खाती है। और इसके ऊपर आपको 42 क्लासिक लीजेंड का स्टिकर मिल जाता है। और यहाँ पर इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 293 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOHC BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया है। इसकी मैक्सिमम पावर है 27.33 PS की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 27.02 Nm का। और इसमें 6-स्पीड गियर बॉक्स दिया है और इसका जो कर्व वेट है वो 172 kg का है। और इसके इंजन को कूल रखने के लिए यहाँ पर आपको एक रेडिएटर भी मिल जाता है ऊपर की साइड में, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके ऊपर रिफ्लेक्टर भी दिया गया है और इसके नीचे की साइड में कूलेंट का बॉक्स दिया गया है, जो कि इसकी जो मेटल की प्लेट के नीचे की साइड में दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा कैटलिटी कन्वर्टर दिया गया है, जो कि फुली कवर्ड है मेटल की प्लेट से, जो कि फुली ब्लैक कलर की दी गई है। और इसका जो एग्जॉस्ट है वो फुली कवर्ड दिया गया है। और यहाँ पर आपको ब्रेक पैड मिल जाता है और यहाँ पर फुटरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसके पैनल के साइड में आपको 42 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको लॉकर भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट की डिज़ाइन को देख सकते हैं। और इसके पीछे वाले टायर के साइज़ की बात करें तो 120/80/17 का टायर साइज़ दिया गया है। ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और इसके ऊपर आपको जो है क्लासिक लीजेंड 42 की स्टिकरिंग मिल जाती है इसके अलॉय व्हील्स के ऊपर। और इसके पीछे की साइड में आपको जो है ABS सिस्टम मिल जाता है 280 mm की डायमीटर के साथ में। और इसके पीछे की साइड में आपको गैस कैनिस्टर ट्विन सॉक्स हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि एडजस्टेबल हैं। और ये है इसका रियर वाला मडगार्ड, जो कि फुली मेटल का दिया गया है मैट रेड फिनिश के साथ। और यहाँ पर आपको जो है एक हुक मिल जाता है सीट को पकड़ने के लिए। और इसकी सीट की बात करें तो इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट दी गई है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की मिल जाती है इस बाइक में। और इसके पीछे की साइड में आपको कोई भी ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलता है इस क्रूजर बाइक में। और पीछे की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव दी गई है। यहाँ पर जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो है टेल लैंप मिल जाती है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रही है। और साइड में आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं और यहाँ पर ग्राफिक्स की पट्टी मिल जाती है पीछे की साइड में। ओवरऑल इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दी गई है पीछे की साइड से भी।
जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी सीट के दूसरी साइड में भी आपको एक हुक मिल जाता है पकड़ने के लिए, और यहाँ पर इसके सस्पेंशन दिए गए हैं। ये है इसका टूल बॉक्स मिल जाता है जिसके ऊपर 42 की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ भी आपको जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है फ्यूल टैंक के ऊपर। और दोस्तों इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं जो कि मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। इसके ऊपर भी आपको प्लेट मिल जाती है इसके एग्जॉस्ट के ऊपर, और इसमें डबल एग्जॉस्ट दिए गए हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट, और इसका जो चेनसेट कवर है वो फुली कवर्ड नहीं है जो कि आपको प्लास्टिक का दिया गया है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट और साइड स्टैंड और मैन स्टैंड दिए गए हैं, और यहाँ पर 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और ये है इसके इंजन की दूसरी साइड जिसके ऊपर जावा की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि फुली ब्लैक कलर का दिया गया है। इसका जो इंजन है वो फुली कवर्ड है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है जैसा कि दोस्तों यहां पर आपको देख सकते हैं। और इस बाइक में दोस्तों 6 गियर मैनुअल सेटअप मिल जाता है जो कि नीचे की साइड में दिया गया है, और इसके इंजन का जो कलर वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के और इसके एग्जॉस्ट के साउंड के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी की को ऑन कर देते हैं और बाइक को कर लेते हैं हम स्टार्ट सेल्फ दबा कर। तो जैसा कि दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुकी है, तो अब दोस्तों मैं आपको इसके इंजन का साउंड सुना देता हूँ। तो यहाँ से आप इसके इंजन के साउंड को नोट कर सकते हो जो कि काफ़ी हैवी दिया गया है। और जैसा कि इस बाइक में जो है डुअल साइलेंसर दिए गए हैं, डबल एग्जॉस्ट दिया गया है, और इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव आती है। जैसा कि दोस्तों यहां से आप इसके दोनों साइलेंसर की आवाज़ को नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इसके माइलेज की, तो इस बाइक में आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाएगा अगर आप इसको 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाते हैं। तो अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो है 2,31,300 रुपये। ये ऑन रोड कीमत मैंने आपको बताई है जावा मिस्टर डायनामिक ऑटोक्राफ्ट BIP रोड नारायण तल्ला कोलकाता शोरूम की। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस रिप्लाई करके बता दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।